नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणेजा अपने ज्योतिष प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न में विपरीत राजयोग के बारे में। तो कुंभ लग्न की जन्म कुंडली आपकी है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपकी जन्म कुंडली आप अपने समक्ष रखें। आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर ये लग्न भाव है और लग्न भाव में 11 नंबर लिखा है, तो आपकी जन्म कुंडली जो है वो कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है। तो आपकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है या नहीं बनता है, ये चेक करने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि विपरीत राजयोग क्या होता है और आपकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग है या नहीं। अब मित्रों, विपरीत राजयोग जो है वो छठे, आठवें और बारहवें भाव के स्वामी बनाते हैं। छठे, आठवें, बारहवें भाव के स्वामी छठे, आठवें, बारहवें भाव में बैठ जाए तो ऐसे में बनेगा विपरीत राजयोग। तो आपकी जन्म कुंडली अगर कुंभ लग्न की जन्म कुंडली है तो छठे भाव जन्म कुंडली का ये छठा भाव है, ये आठवां भाव है और ये बारहवां भाव है। तो जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी जहाँ पर चार नंबर लिखा हुआ है, चार नंबर यानी कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा जन्म कुंडली में छठे भाव में, आठवें भाव में या बारहवें भाव में बैठे हैं तो ऐसे में बनेगा कठिन विपरीत राजयोग, जो कि शुभ फल देने वाला है। इसके बाद बात करते हैं सरल विपरीत राजयोग के बारे में। तो जन्म कुंडली के आठवें भाव का स्वामी जहाँ पर छः नंबर लिखा हुआ है, छः नंबर यानी कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह अगर छठे, आठवें या बारहवें भाव में बैठे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में बनेगा सरल विपरीत राजयोग। इसके बाद बारी आती है जन्म कुंडली के बारहवें भाव के बारे में जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 नंबर यानी मकर राशि। अब मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, जो जन्म कुंडली में लग्नेश है। अब मित्रों, आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह छठे, आठवें और बारहवें भाव में बैठे हैं तो ऐसे में बनेगा विमल विपरीत राजयोग। अब विमल विपरीत राजयोग या सरल विपरीत राजयोग, विपरीत राजयोग जब फलदायी होता है जब लग्नेश जन्म कुंडली में लग्नेश बलवान होना चाहिए, यानी लग्नेश अपनी स्वयं की राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, तभी विपरीत राजयोग जो है वो बहुत ही अत्यधिक फलदायी होता है। तो आपकी जन्म कुंडली में आपको देखना है कि लग्नेश जो है शनि की स्वराशि होती है मकर राशि और कुंभ राशि। शनि अगर कुंभ राशि या मकर राशि में बैठा है तो ऐसे में वो बलवान है, या फिर शनि अपनी उच्च राशि तुला राशि में बैठा हो, तुला राशि भाग्य स्थान में जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, शनि आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा है तो ऐसे में शनि बलवान है, तभी ये राजयोग जो है वो फलदायी होगा। तो मित्रों, इस तरह से कुंभ लग्न में आप चेक कर पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में विपरीत राजयोग है या नहीं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।